देश के उत्तरी राज्यों में अब ठंड बढ़ने लगी है और कई राज्यों में दिन और रात के तापमान में भी गिरावट हुई है। दिल्ली में इस बार सर्दियों का आगाज समय से पहले हुआ है। मौसम विभाग ने अगले सप्ताह तक फिलहाल मौसम साफ रहने की उम्मीद जताई है। न्यूनतम तापमान में यहां और गिरावट होने की संभावना बताई जा रही है। मंगलवार को दिल्ली में इस सीजन की सबसे ठंडी सुबह रही। न्यूनतम तापमान 17.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसकी एक वजह पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी की शुरुआत भी है। मौसम विभाग के अनुसार 17 अक्टूबर से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज होने लगेगी। अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16 से 17 डिग्री के बीच बना रहेगा। अनुमान है कि 25 अक्टूबर के बाद सुबह शाम में अच्छी खासी सर्दी का एहसास होने लग जाएगा। इसके साथ ही सर्दी बढ़ने लग जाएगी। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार पिछले साल अक्टूबर में सबसे कम तापमान 22 अक्टूबर को 15.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। उत्तर भारत में सर्दी के दस्तक के साथ ही पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक देश के 5 बड़े राज्यों में तापमान गिर सकता है। इनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा शामिल हैं। बिहार में अगले 15 दिनों के भीतर तापमान में गिरावट के साथ पटना सहित कुछ इलाकों में बारिश का अनुमान है। 18 से 21 अक्टूबर तक लगातार 4 दिन यहां बारिश के आसार हैं। अगले 2 सप्ताह यहां का तापमान 20 से 33 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां के तापमान में भारी गिरावट दर्ज हो सकती है। राज्य का न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। इसके अलावा 21 और 22 अक्टूबर को यूपी की राजधानी लखनऊ समेत आसपास के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की भी संभावना है।